सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ रश्मिस किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक चटपटी सी और कुरकुरी डिश जो कि है पालक पकौड़े। तो पालक पकौड़े एक ऐसी डिश है जो कि बारिश हो या फिर सर्दियाँ आप कभी भी घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे सो दैट यू विल नेवर मिस द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्रिस्पी पालक पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पालक। तो एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में लिया है मैंने पालक। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ऑफ पालक लिया है जिसे कि मैंने थोड़ा काट लिया है, बहुत नहीं काटा है, छोटे छोटे देख सकते हैं आप इसके पत्ते ऐसे ही चंक्स में काटा है मैंने, जो कि जब हम पकौड़े बनाएंगे क्रिस्पी करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा अजवाइन, 1/4 चम्मच से कम ही ऐड करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा कटा हुआ अदरक कद्दूकस करके लिया है मैंने, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कटी हुई हरी मिर्च, हाफ कटा हुआ धनिया पत्ता थोड़ा सा, और इसमें ऐड करते हैं अपना नॉर्मल नमक 1/4 चम्मच, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, और अभी इसमें ऐड करते हैं चावल का आटा। 1/4 चम्मच से कम ही ऐड कर रही हूँ मैं, 1/4 कप से कम, और चावल के आटे से क्या होता है बाइंडिंग अच्छा आता है, क्रिस्पी होता है। और क्या करेंगे इसमें बेसन ऐड करते हैं हम, पर क्या करेंगे बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे जितना जरूरत होगा हमें, टोटल 1/4 कप लगेगा हमें। तो अभी मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ और मिक्स करेंगे इसे। चलिए इसे अपने हाथों से मिक्स करते हैं बिना पानी डाले, क्योंकि पालक जो है वो मॉइस्चर छोड़ेगा, ऑलरेडी पानी छोड़ेगा इसमें, और थोड़ा थोड़ा आप इसे मसल के ऐसे कर सकते हैं ताकि पानी छोड़े और हमारा पकौड़े का जो बैटर है वो अच्छा बने। थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स किया है, इसके ऊपर से ऐड कर देते हैं कुछ बूंदे नींबू की जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, खट्टापन भी आएगा। और चलिए फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं, और अभी हम इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड करेंगे क्योंकि बेसन मुझे कम लग रहा है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं। और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब लगे आपको कि बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हमारे तेल में हम डालेंगे पकौड़ा तो हमारा छूटेगा नहीं, अच्छे से हो जाएगा, तब आप इसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारा पकौड़ों का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर विदाउट पानी ही ये बहुत अच्छा हो गया है। और आप ऐसे जब भी फ्राई करें तब ऐसे खोल खोल के आप इसे फ्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ये करके बॉल्स बना के फ्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पकौड़े जो होते हैं वो खुले खुले ही होते हैं, तो हम ऐसे भी डायरेक्ट भी अगर तेल में छोड़े तो पकौड़े बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे पकौड़े। आप चाहे तो इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए भी छोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो पालक पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लिया है, और उसके बाद अभी हम इसे फ्राई करेंगे, पर तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं अच्छे से, तेल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद फ्राई करेंगे हम इसे। तो हमारा तेल जो है अभी अच्छे से गर्म हो चुका है, हम इसे टेस्ट करके देख सकते हैं थोड़ा सा, अभी क्या करेंगे थोड़ा ड्रॉप करते हैं। देखिए हमारा तेल अभी बहुत अच्छे से गर्म है, अभी एक एक करके हम पकौड़े इसमें डालते हैं। क्या करेंगे छोटे छोटे पकौड़े डालूंगी मैं यहाँ पे, और ऐसे ओपन करके डायरेक्टली आप डालें, और फ्लेम को लो टू मीडियम रख के ताकि अच्छे से हमारा पकौड़ा जो है वो फ्राई हो जाए, कुरकुरा हो जाए। तो अभी मैंने सभी पकौड़ों को इसमें डाल दिया है, तो 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर भी नहीं हिलाएंगे नहीं, और जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाए नीचे से हम उसे पलट लेंगे। देखिए हमारा एक तरफ से वो ब्राउन हो चुका है, मैंने फ्लेम को लो ही रखा है, और अभी पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं इसे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारे पकौड़े, आप चाहे तो इसे और भी रेड थोड़ा कर सकते हैं ब्राउन। चलिए और ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है, चलिए अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ इसे स्ट्रेनर पे निकालूंगी ताकि हमारा जो पकौड़े है वो क्रिस्पी भी रहे और इसका तेल अच्छे से निकल जाए। तो रेडी है हमारे टेस्टी क्रिस्पी पालक के पकौड़े, बनाइए इसे अपने घरों में सर्दियों में और इंजॉय कीजिए।